now we are going to start with cranial nerves. Cranial nerves are 12 in number. First of all, we are going to study nerves which are sensory. Sensory are 1, 2 and 8. Sensory nerves are olfactory nerve, optic nerve and vestibulocochlear nerve. Olfactory nerve arises from olfactory mucosa. जो भी sensory nerve होगी ना वो हमारे पास sensory organ से start करेगी. तो ये हमारे पास nose के अंदर olfactory mucosa present होता है, वहाँ से start करती है, वहाँ पे olfactory cells present होते हैं, वहाँ से olfactory nerves बनती हैं, वो about 20 number होती है. वो cribriform plate of ethmoid bone हमने brain के अंदर पड़ी थी, वहाँ से holes होते हैं उस cribriform plate के अंदर, वहाँ से पास करते हुए brain में आ जाती है, वहाँ पे olfactory bulb बनता है, वहाँ पे interior olfactory nucleus located होता है, वहाँ से ये olfactory tract बनता है, olfactory tract के जरिए amygdaloid न्यूक्लियस और इंटीरियर कमीशन में चली जाती है. हमारे पास है olfactory mucosa जो कि nose की roof में present है, यहाँ पे olfactory cells हैं, olfactory cells जो है olfactory nerves बनेंगी जो कि cribriform plates के अंदर से पास करते हुए यहाँ से होल्स हैं olfactory bulb में आएंगे, वहाँ पे anterior nucleus पड़ा हुआ है, olfactory nucleus वहाँ से होते हुए ये olfactory tract से होते होते यहाँ तो interior commission में चली जाएंगी, और यहाँ फिर ये हमारे पास interior commission के अलावा ये पड़ा हुआ है amygdaloid nucleus, इसके अंदर चली जाएंगे. amygdaloid nucleus भी हमारे पास सेंस को स्मेल को सेंस कर. इसके बाद हमारे पास है ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना से स्टार्ट होते हैं, रेटिना आई के अंदर प्रेजेंट है, रेटिना से ऑप्टिक नर्व बनी, वहाँ से ऑप्टिक क्यास्मा, यहाँ से ये जो है ये पास करेगी थ्रू ऑप्टिक केनाल और ब्रेन के अंदर आके ये ऑप्टिक क्यास्मा बनेगा हमारे पास हाइपोफिजियल फोसा वाली जगह पे ऑप्टिक क्यास्मा. फिर वहाँ से ऑप्टिक ट्रैक, वहाँ से ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस रेडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस से पास होते हुए लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑप्टिक रेडिएशन, वहाँ से ये कैलक्राइन सल्कस के अंदर से राइट ऑक्सिपिटल लोब में चली जाएगी. कैसे? रेटिना ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक केनाल से एंटर होते हुए क्रेनियम में आएगी, वहाँ पे स्कल के अंदर आके ऑप्टिक क्यास्मा ऑप्टिक ट्रैक बनाएगी, वहाँ से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑप्टिक रेडिएशन कैलक्राइन सल्कस और राइट ऑक्सिपिटल लोब. हमारे पास रेटिना है, रेटिना से आगे ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व ब्रेन में आके ऑप्टिक क्यास्मा बनाएंगे, ऑप्टिक ट्रैक्स बनाएंगे, ऑप्टिक ट्रैक्स जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगे, वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन बनेगी, ऑप्टिक रेडिएशन जो है वो कैलक्राइन सल्कस पे राइट लोब राइट ऑक्सिपिटल लोब में हमारे पास कैलक्राइन सल्कस पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी. इसके बाद हमारे पास एट्थ नर्व जो है वो हमारे पास सेंसरी नर्व है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व. वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व हमारे पास हेयरिंग से रिलेटेड है. वेस्टिब्यूल इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, पॉन्स से अराइज करती है, ठीक है हमारे पास, और हमारे पास इसके दो पार्ट होते हैं वेस्टिबुलर और कॉक्लियर पार्ट. वेस्टिबुलर पार्ट जो है वो हमारे पास वेस्टिबुलर गैंग्लियन जो नर्व सेल हमारे पास ये वेस्टिब्यूल हमारे पास सारे वेस्टिबुलर फाइबर सेंट्रल प्रोसेस ऑफ वेस्टिबुलर गैंग्लियन से आके इंटरनल ओस्टिक मेटस पे आएंगे, और ये वाले भी हमारे पास स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कॉक्लिया से ऑर्गन ऑफ कोटाई, वहाँ से कॉक्लियर नर्व बनेगी, वहाँ से ये आ जाएंगे हमारे पास यहीं पे इंटरनल ओस्टिक मेटस पे, वहाँ से इंटरनल ओस्टिक मेटस से ये हमारे पास दोनों ज्वाइन कर जाएगी रूट्स, और ये ज्वाइन करके हमारे पास वेस्टिबुलर जो है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया के अंदर चली जाएगी जो कि फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर के अंदर लोकेटेड है, चार इन नंबर है, फोर इन नंबर है, लेटरल सुपीरियर इंफीरियर और मीडियल, और जो हमारे पास कॉक्लियर नर्व है वो हमारे पास इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के अंदर उसके न्यूक्लियस लोकेटेड है, इंटीरियर न्यूक्लियस और पोस्टीरियर न्यूक्लियस वहाँ पे चली. ये हमारे पास आ गया वेस्टिबुलर गैंग्लियन. वेस्टिबुलर गैंग्लियन ये वेस्टिब्यूल से आ रहे हैं फाइबर्स यहाँ पे सारे बैलेंस के, वेस्टिबुलर गैंग्लियन में यहाँ से वेस्टिबुलर नर्व बन रही है, और ये कॉक्लिया के अंदर हमारे पास स्पाइरल जो गैंग्लियन है वहाँ से हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं, यहाँ से आ रही है कॉक्लियर नर्व, ये दोनों मिलेंगी एट द इंटरनल ओस्टिक मीटस, यहाँ से पास करेंगी और ब्रेन में आएंगी. ब्रेन में हमारे पास मिड ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर के अंदर हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लोकेटेड है, और जबकि हमारे पास सेरिब्रल पेडंकल के अंदर हमारे पास कॉक्लियर नर्व के न्यूक्लियस लोकेटेड है, एंटीरियर पोस्टीरियर, और इसके कौन से एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल डिस्कस करने लगे हैं जो कि हमारे पास रिलेटेड है विद द एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल. इसमें हमारे पास 3, 4 और 6 नर्व आती है, और ये तीनों के तीनों हमारे पास मोटर नर्व्स हैं. मोटर ये जो हमारे पास ऑक्युलो मोटर नर्व है ये मिड ब्रेन के एंटीरियर सरफेस से राइज करती है, मिडल क्रेनियल फोसा में लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस आने से पास करते हुए सुपीरियर इंफीरियर ब्रांचेस देती है. फिर ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करते हुए ऑर्बिट में आ जाती है, यहाँ पे ये तमाम मसल्स को स्प्लाई करेगी एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक. ये हो गया हमारे पास के इंट्रिंसिक मसल्स आईबॉल के, इसके अलावा एक्सट्रिंसिक के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर पिपली और सीलरी मसल और सीलरी गैंग्लियन, इन सब चीजों को सप्लाई करेगी. सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, कंस्ट्रक्टर पिपली, सीलरी मसल, सीलरी गैंग्लियन को सप्लाई करेगी. इसके हमारे पास दो न्यूक्लियस होते हैं, मेन मोटर और रिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस. रिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस का ये सीलरी गैंग्लियन से रिलेटेड. ये हमारे पास मिड ब्रेन में ऑक्युलो मोटर का न्यूक्लियस है, ये ऑक्युलो मोटर नर्व बनी, ऑक्युलो मोटर नर्व ट्रेवल की और ये हमारे पास आ गई आई के अंदर थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन देगी और सप्लाई करेगी तीन रेक्टा है और एक ऑब्लिक को, उसके अलावा सीलियारस मसल और स्फिंक्टर पिपिलाई को. इसके बाद हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व. ट्रॉक्लियर नर्व भी मोटर नर्व है, ये भी एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल को ही सप्लाई करेगी, कौन से? सुपीरियर ऑब्लिक को. ये हमारे पास वाही नर्व है जो डॉर्सली अराइज करती है, मिड ब्रेन से अराइज करती है, थ्री और फोर्थ मिड ब्रेन से अराइज करती है, ये ऑपोजिट साइड पे जाएगी और मिडल क्रेनियल फोसा में लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस के अंदर पास करेगी और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से. ये तीनों नर्व जाएंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ही पास करनी है और ये हमारे पास जो है आई में आ गई, आई में आके सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगी. ये हमारे पास है ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस. ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस ये वाही नर्व है जो पीछे से अराइज कर रही है, डॉर्सली अराइज करेगी, ऑपोजिट साइड से घूम के फिर ये हमारे पास आ जाएगी इंटीरियर साइड पे. इंटीरियर साइड पे आके ये हमारे पास कैवर्नस साइनस के अंदर लेटरल वॉल के अंदर जाएगी और यहाँ से हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होते हुए ये आई में आके लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर देगी, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगी. अब ड्यूसेंट नर्व हमारे पास पॉन्स से अराइज करेगी, ये मोटर नर्व है, पॉन्स से अराइज करेगी, पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन से इमर्ज करेगी और हमारे पास जो है ये पास करेगी कैवर्नस साइनस से, कैवर्नस साइनस के अंदर इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर जो होते हैं वहाँ पे हमारे पास इसके साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है, ये लेटरल टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी और ये सप्लाई करेगी हमारे पास लेटरल रेक्टस. यहाँ पास आगे एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस. एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस से यहाँ से एब्ड्यूसेंट नर्व अराइज की और ये हमारे पास पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन से एक्सिट लिया, कैवर्नस साइनस के अंदर से पास करती हुई हमारे पास आ गई
ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करते हुए आई में, और आई में आगे से हमारे पास एल आर सिक्स लेटरल रेक्टस्कोस्पोनेक्स है, हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व है, मिक्स नर्व है, ये हमारे पास मिक्स कैस, इसके हमारे पास चार न्यूक्लियस होते हैं, मेन सेंसरी न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस, मेसन सेफलिक न्यूक्लियस, मोटर न्यूक्लियस, ट्रिपल एम एस, इसके लिए हम निमोनिक बना लेंगे, मेन सेंसरी, मेसन सेफलिक, मोटर और स्पाइनल। ये हमारे पास बोन से अराइज करेगी, इसमें स्मॉल मोटर रूट होती है और लार्ज जो है वो हमारे पास सेंसरी रूट होती है, पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा। अब पॉन्स कहाँ पड़ा है, पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा में, वहाँ से ये आगे को आई मिडिल क्रैनियल फॉसा के अंदर, मिडिल क्रैनियल फॉसा के अपर सरफेस में, हमारे पास पेट्रस टेम्पोरल बोन पे पड़ी हुई होगी और इसकी तीन डिवीजन हो जाएंगी, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ऑफ्थैल्मिक डिवीजन प्योर सेंसरी है, मैक्सिलरी डिवीजन प्योर सेंसरी है, मैंडिबुलर डिवीजन मोटर है। सेंसरी डिवीजन जो है हमारे पास ऑफ्थैल्मिक की अगर हम बात करें तो ये लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में ट्रेवल करेगी, इसकी तीन ब्रांचेज हो जाएंगी, लैक्रिमल, फ्रंटल, नेसोसीलरी। लैक्रिमल जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी, फ्रंटल जो है वो सुप्रा ट्रॉक्युलर, सुप्रा ऑर्बिटल दे देगी आगे, और नेसोसीलरी की भी आगे मजीद ब्रांचेस हो जाएंगी, सेंसरी ब्रांचेस, एंटीरियर एथमॉइडल, इंटरनल लेजर, एक्सटर्नल लेजर, पोस्टीरियर एथमॉइडल, लॉन्ग सिलरी और इंफ्रा ट्रॉक्युलर। ये हमारे पास पड़ा हुआ है मेन मोटर, मोटर न्यूक्लियस, ये हमारे पास मेसन सेफलिक न्यूक्लियस, प्रिंसिपल सेंसरी, ये सारे यहाँ पे पड़े हुए। यहाँ से हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व निकलेगी, ट्राइजेमिनल नर्व जो है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बन जाएगा, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जब आगे तीन रूट्स में डिवाइड करेगा, ये इसकी ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व की सबसे पहले तो इसकी मेनिंजियल ब्रांचेस, ये टेंटोरियल ब्रांचेस, टेंटोरियल जो है वो मेनिंजिस का नाम है। फिर इसके बाद हमारे पास ये आगे जाएगी तो ये लैक्रिमल नर्व देगी, और ये हमारे पास क्या देगी, लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व, और हमारे पास ये वाली नेसोसिलरी है, ये वाली हमारे पास जो सिंगल जाएगी लैक्रिमल है, और ये हमारे पास है फ्रंटल। नेसोसिलरी लैक्रिमल तो सीधी सीधी लैक्रिमल ग्लैंड को चली गई है, और ये हमारे पास जो फ्रंटल है इसमें सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल दे रही है। ये जो हमारे पास नेसोसिलरी है इससे हमारे पास ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, कौन कौन सी, पोस्टीरियर एथमॉइडल, एंटीरियर एथमॉइडल, ब्रांच टू सिलरी गैंग्लियन, इंटरनल नेजल, एक्सटर्नल नेजल और इंफ्रा ट्रॉक्लियर एक ब्रांच है। इसके बाद हमारे पास मैक्सिलरी डिवीजन की बात करें तो ये हमारे पास मिडिल क्रैनियल फॉसा में होती है, मिडिल क्रैनियल फॉसा में ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट होगी लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से पास करेगी, लीव करेगी स्कल को थ्रू फोरामेन रूटेंडम, और फिर ये हमारे पास टेरिगो पैलेंटाइन फॉसा में आ जाएगी, टेरिगो पैलेंटाइन फॉसा में आके ये हमारे पास इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑर्बिट में आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांचेस देगी इंफ्रा ऑर्बिटल, और इसके अलावा मजीद ब्रांचेस कौन देगी, मेनिंजियल गैंग्लियन, जाइगोमेटिक, इंटीरियर स्पीरियर, इंटीरियर स्पीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर स्पीरियर एल्वियोलर और इंफ्रा ऑर्बिटल। ये हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ये आगे मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व है आगे टेरिगो पैलेंटाइन गैंग्लियन में आएगी, मिडिल क्रैनियल फॉसा में लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से पास होते हुए ये थ्रू फोरामेन रूटेंडम एग्जिट लेगी, और ये आगे टेरिगो पैलेंटाइन फॉसा में, टेरिगो पैलेंटाइन गैंग्लियन में, और यहाँ से ये आई में एंटर होगी थ्रू इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। इसी आगे ब्रांचेस कौन कौन से बनेंगे, मेनिंजियल ब्रांच, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल, जाइगोमेटिक नर्व की ब्रांचेस हो जाएंगी, ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व बनेगी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ठीक है, और ग्रेटर एंड लेसर पैलेंटाइन नर्व, नर्व टू टेरिकोइटिनल, ये सारी जो है मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस बन जाएंगी। इसके बाद मैंडिबुलर नर्व, ये मोटर है और मिक्स्ड है, मेनली ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से आएगी, फॉरमेन ओवल से एग्जिट लेके एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन देगी। हमारे पास इसकी जो मेन ट्रंक है वहाँ से मेनिंजियल ब्रांच और नर्व टू मीडियल टेरिकोइड निकलेगी, पोस्टीरियर ब्रांच से हमारे पास इंटीरियर ब्रांच से हमारे पास मेसिटेरिक, डीप टेम्पोरल, लेटरल टेरिकोइड और बकल, यानी कि हमारे पास मसल ऑफ मास्टिकेशन को कौन सा करती है, मैंडिबुलर नर्व, और पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर डिवीजन से ऑर्कुलर टेम्पोरल, लिंगुअल, इंफीरियर एल्वियोलर, मेंटल मैलोहाइड और लोअर टीथ और गम्स को सप्लाई, स्थानक ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, यहाँ से हमारे पास नीचे से मैंडिबुलर नर्व निकलेगी, मैंडिबुलर नर्व इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन देगी, और एग्जिट लेगी थ्रू फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल से एग्जिट लेगी इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन देगी। इसके बाद इसकी सारी ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं डीप टेम्पोरल नर्व, नर्व टू लेटरल टेरिकोइड, मेसिटेरिक नर्व, नर्व टू टेंसर बिलैटरल, बकल, मेंटल, डेंटल, लिंगुअल, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को ब्रांचेस देती है, नर्व टू माइलोहायड, इंफीरियर एल्वियोलर, ऑर्टिक गैंग्लियन भी इस पाथवे में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्टिक गैंग्लियन इस पाथवे में नहीं आता, टेंसर टिम्पनी को देती है, लेसर पेट्रोसल, मेनिंजियल, पैरोटिड, ऑरिकुलर, टेम्पोरल, आर्टिकुलर और सुपीरियर सुपरफिशियल टेम्पोरल टू स्टार्ट विद द फेशियल नर्व, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फेशियल नर्व के हमारे पास चार न्यूक्लियस होते हैं, मेन मोटर न्यूक्लियस, लैक्रिमल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो कि ये हमारे पास 10th और 9th के साथ शेयर करता है, 9th अभी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का है, 9, 10 और 7, N फॉर 9, T फॉर 10, S फॉर 7, इन तीनों के लिए ये शेयर होता है सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके हमारे पास दो रूट्स बन जाते हैं, मोटर और सेंसरी रूट, सेंसरी रूट जो है वो हमारे पास एस नर्वस इंटरमीडियट पड़ा हुआ होता है, और हमारे पास मोटर रूट की अगर हम बात करें तो मोटर रूट जो है वो इसका एब्ड्यूसर न्यूक्लियस के पहले चक्कर लगाता है, उससे हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस बनता है, फेशियल कॉलिकुलस बनता है, और हमारे पास ये पॉन्टोमेडल जंक्शन से इमर्ज करती है, इमर्ज करने के बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा में आ जाती है, पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा में विद द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जाती है, एक्सटर्नल अकोस्टिक मैटस से बाहर आ जाती है। अब फेशियल कैनाल में आ गई, ये आगे मीडियल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी पे, जहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन के पास आ जाती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मीडियल वॉल पे पहले आ जाती है, फिर आ जाती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल हेयर पे, फिर ये हमारे पास इमर्ज करती है टेम्पोरल बोन से थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के बाद ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करती है और टर्मिनल ब्रांचेस दे देती है। इसके चार न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, कौन कौन से, मेन मोटर, लैक्रिमल, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ये चारों जाएंगे हमारे पास एग्जिट लेंगे, और यहाँ से मोटर नर्व बनेगी, मोटर नर्व बनने के बाद ये जो ऊपर वाली है इसको हम नर्वस इंटरमीडियट कहेंगे, ये फेशियल नर्व बन जाएगी, फेशियल नर्व जो है हमारे पास विद द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है हमारे पास इंटरनल अकोस्टिक मैटस से बाहर आएगी, इंटरनल अकोस्टिक मैटस से बाहर आने के बाद हमारे पास आगे पैरोटिड ग्लैंड है ना उसके अंदर आके ये टेम्पोरल, ये ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस देगी, टर्मिनल ब्रांचेस तो हम सबको आते हैं टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मार्जिनल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल, ये हमारे पास की टर्मिनल ब्रांचेस हैं। ये मजीद ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नर्वस इंटरमीडिएट से हमने कहा था कि ये जब जाती है तो ये यहाँ पे फेशियल नर्व से आ गई, ये जेनिकुलेट गैंग्लियन आता है, जेनिकुलेट गैंग्लियन से आगे ग्रेटर पेट्रोसिल नर्व बन जाती है, वो डीप पेट्रोसिल नर्व के सामने के डीप नर्व टू टेरिकॉइड कैनाल बनाती है,
की ब्रांचेस कौन कौन सी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व टू स्टेपीडियस कॉर्डा टिम्पनी, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर डायगेस्ट्रिक स्टाइलोहाइड, ये ब्रांचेस हम लोग को आती हैं, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस देती है एडजेसेंट क्रैनियल नर्व्स को, कौन कौन सी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व टू स्टेपीडियस कॉर्डा टिम्पनी, कॉर्डा टिम्पनी टेस्ट सेंसेशन के लिए है, नर्व टू स्टेपीडियस जो है वो स्टेपीडियस मसल मिडिल ईयर के अंदर बड़ा होता है, उसको डैम्पनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, अगर हमारे पास स्पेशल नर्व डैमेज होगी तो हमारे पास डैम्पनिंग इफेक्ट नहीं होगा, हम लोग ऐसे लगेगा बहुत अच्छी रीच हो रहा है। डायगेस्टिक स्टाइलोहाइड और पोस्टीरियर ऑरिकुलर को भी की भी इसकी ब्रांचेस। नाउ वी आर गोइंग स्टार्ट विद द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो है मिक्स नर्व है हमारे पास, मेन मोटर, इसके हमारे पास तीन न्यूक्लियस हैं, मेन मोटर न्यूक्लियस, इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, और एक शेयर कर रहा है विद द 10th एंड 7th नर्व न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटेरियस। न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटेरियस सेंसिटिव है, इंफीरियर सेलिवेटरी जो है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स रखता है, मेन मोटर के अंदर मोटर फाइबर्स, हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में बड़ी होती है, मर्ज करती है बिटवीन ऑलिव एंड सेरिब्रल पेडंकल, ये हमने एक ये साइड में हमारे पास सेरिबलम पड़ा है, यहाँ पास पायरामिड्स हैं, और यहाँ पास हैं ऑलिव्स, ऑलिव और सेरिबलम, यहाँ से हमारे पास तीन नर्व्स ओरिजिनेट करते हैं, 9th, 10th और 11th, और यहाँ से हमारे पास एक नर्व इमर्ज क्रैनियल फोसा में आती है, वहाँ से जगुलर फोरामेन से, अब ये जो तीनों इकट्ठी राइज करेंगे, तीनों एग्रेड भी इकट्ठा लेंगे जगुलर फोरामेन से, इसका सुपीरियर और इंफीरियर गैंग्लियन बनता है, ये जो जगुलर फोरामेन पे ये पास कर जाती है हमारे पास बिटवीन इंटरनल जगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, हमारे पास नेक में पास कर जाती है, स्टाइलोफ्रेंजियस सिर्फ एक ही मसल को ये सप्लाई करती है, पास करती है बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रिक्टर, वहाँ पर हमने देखा कि स्टाइलोफ्रेंजियस मसल और यही पास कर रही थी सेकंड गैप के अंदर से, फेरिंग्स और पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई करती है, इसकी ब्रांच की बात करें तो टिम्पैनिक ब्रांच होती है, टिम्पैनिक नर्व जैकॉब्सन की फॉर्म में, कैरोटिड ब्रांचेस होती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, उसके अलावा नर्व स्टाइलोफ्रेंजियस हमने देख लिया, लिंगुअल ब्रांचेस होती हैं, ये हमारे पास पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई करती है, और हमारे पास इसकी टॉन्सिलर ब्रांचेस होती हैं जो कि फ्रेंजियल प्लेक्सस के थ्रू जाती हैं। पेगस नर्व हमारे पास 10th क्रैनियल नर्व है, और ये भी मिक्स होती है, ये हमारे पास इंटीरियर सर्फेस ऑफ ऑलिव, इंटीरियर सर्फेस ऑफ मेडुला निकलती है बिटवीन ऑलिव और सेरिब्रल पेडंकल विद द 9th एंड 11th, और हमारे पास पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में आती है, यहाँ पे जगुलर फोरामेन को लीव, जगुलर फोरामेन से स्कल को लीव करती है, इसका सुपीरियर इंफीरियर गैंग्लियन होता है, साथ में इसके क्रैनियल एसेसरी जो 11वीं नर्व होता है ना, उसको क्रैनियल पार्ट जो है वो इसके साथ यूज किया जाता है, ये जो हमारे पास फेरेंजियल और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व यहाँ पे बन जाती है, और ये नेक में कैरोटिड शीथ के अंदर लाया करती है, नेक के अंदर कैरोटिड शीथ के अंदर लाया करती है, थॉरिक्स में हमारे पास पोस्टीरियर होती है, जो हमारे पास लंग्स होते हैं उनके पोस्टीरियरली पड़ी होती है, पल्मोनरी प्लेक्सस के अंदर टेक पार्ट करती है, फिर ये हमारे पास थॉरिक्स में आकर राइट और लेफ्ट वेगस के अंदर डिवाइड कर जाती है, राइट वाली जो है वो हमारे पास राइट पल्मोनरी प्लेक्सस बनाती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट पल्मोनरी प्लेक्सस बनाती है, फिर ये हमारे पास एसोफेगस के आगे पीछे लाया करती है, राइट वाली पोस्टीरियर टू एसोफेगस, लेफ्ट वाली एंटीरियर टू एसोफेगस, इसी तरह ये हमारे पास एसोफेगियल ओपनिंग से पास कर जाती है इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में ये जाकर हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक और एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक को सप्लाई करती है, इसके अलावा ये दोनों किस किस को अप्लाई करते हैं, ड्यूडिनम, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ तक हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन का डिस्टल थर्ड नहीं आ जाता ना, वहाँ तक ये हमारे पास अप्लाई करती हैं, और थ्रू सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस, सीलिएक प्लेक्सस और रीनल प्लेक्सस किडनीज को भी अप्लाई करती हैं ये हमारे पास, ये हमारे पास सिंपथेटिक सप्लाई होती है, पैरासिंपथेटिक जो है वो हमारे पास थ्रू ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो इसकी मेनिनजल ब्रांचेस होती हैं, ऑरिकुलर ब्रांचेस होती हैं, फ्रेंजियल ब्रांचेस होती हैं, फ्रेंजियल ब्रांचेस फ्रेंजियल प्लेक्सस बनाता है, ये विद द 11th नर्व, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो इसकी लैरिंक्स को सप्लाई करती है, और उसके अलावा कार्डिक ब्रांचेस होती हैं, ये हार्ट को इनहिबिटरी फाइबर होते हैं, सुपीरियर लैरिंजियल लैरिंजियल जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल लैरिंजियल में डिवाइड हो जाती है, लैरिंक्स उसके तमाम मसल जो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड जो कि एक्सटर्नल लैरिंजियल से सप्लाई होता है, एक्सटर्नल लैरिंजियल की ब्रांच सुपीरियर नर्व की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 11th क्रैनियल नर्व है, और मोटर नर्व है, मोटर नर्व कौन कौन सी हैं, 3, 4, 6, 11, 12 हमारे पास मोटर नर्व्स हैं, इसके अलावा 1, 2, 8 सेंसरी हैं, बाकी सारी मिक्सड हैं, न्यूक्लियस इसके दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस एम्बिकस और स्पाइनल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिकस जो है वो ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है, और हमारे पास जो है क्रैनियल रूट जो है ना इसका न्यूक्लियस एम्बिकस से आता है बिटवीन ऑलिव और इंफीरियर पेडंकल से पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में, और वहाँ से जगुलर फोरामेन में आ जाता है, और जो हमारे पास स्पाइनल पार्ट है इसका वो हमारे पास यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूक्लियस स्पाइनल न्यूक्लियस स्पाइनलस लोकेटेड होता है, यहाँ से ये सेंड करता है फोरामेन मैग्नम से एंटर करता है, फिर ये लेटरली जाता है ये जगुलर फोरामेन पे जाके इसके क्रैनियल रूट के साथ ज्वाइन कर जाता है दोनों, और फिर जगुलर फोरामेन से बाहर निकलते हैं, इसका क्रैनियल रूट जो है वो 10th के साथ हो जाता है, और इसका एक्सेसरी रूट फिर से अलग हो जाता है, एक्सेसरी रूट सेपरेट होकर हमारे पास स्पाइनल रूट है वो हमारे पास सेपरेट होकर पोस्टीरियर ट्रायंगल में जाकर ट्रेपेजियस को सप्लाई करता है, और जो क्रैनियल रूट है वो वेगस नर्व को ज्वाइन करके हमारे पास फ्रेंजियल प्लेक्सस बनाता है जो कि सॉफ्ट पैलेट नोज फेरिंक्स और लेरिंक्स को सप्लाई करता है एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, के बाद हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व हमारे पास मोटर नर्व है, 12th लास्ट नर्व है हमारे पास, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से राइज करती है बिटवीन पायरामिड और ऑलिव इमर्ज करती है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले 9th नर्व में दिखाया था, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में ये हमारे पास लीव करती है थ्रू हाइपोग्लोसल कैनाल, हाइपोग्लोसल कैनाल जब ये लीव करती है ये डाउनवर्ड फॉरवर्ड आती है बिटवीन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जगुलर वेन के दरमियान से पास होती है, फिर हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ डायगैस्ट्रिक पे आ जाती है, वहाँ पे आके हमारे पास जो है क्रॉस करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को भी क्रॉस करती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को भी, लिंगुअल आर्टरी का एक लूप होता है उसको भी क्रॉस करके ये हमारे पास ब्रांचेस देती है मसल ऑफ टंग को, हमने कहा था कि मेन मोटर जो सप्लाई आती है सारे मसल ऑफ टंग की वो आती है थ्रू हाइपोग्लोसल एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस ब्रांचेस, वो जो है उसको वेगो एसेसरी कम्प्लेक्स लाया करता है, ब्रांचेस देता है, फिर ये मेनिंजियल ब्रांचेस, डिसेंडिंग ब्रांचेस टू आंसर सर्विकालिस, उसके अलावा आंसर सर्विकालिस के लिए थायरोहायोइड और जीनोहायोइड को सप्लाई करती है, और सारे मसल ऑफ टंग को सप्लाई करती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसल, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस जो कि हमारे पास जगुलर फोरामेन हाइपोग्लोसल कैनाल से एग्जिट लेगा बिटवीन द पायरामिड एंड ऑलिव मर्ज करेगा, और हाइपोग्लोसल कैनाल से एग्जिट लेके हमारे पास आ जाएगा डाउनवर्ड फॉरवर्ड आएगा, ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जगुलर वेन के दरमियान में रन करेगा, जगुलर वेन को ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे ना तो ये ऊपर उन्होंने दरमियान में रन करेगा, फिर हमारे पास क्रॉस कर देगा जहाँ पे डायगेस्ट्रिक की लोअर बॉडी पे क्रॉस करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को भी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को भी और लिंगुअल आर्टरी के लोब को भी, और ये सप्लाई करेगा हमारे पास टंग के मसल्स को, और हमारे पास जो है इसके अलावा
ब्रांचेस देगा आंसर सर्विकैलिस के साथ, ये आंसर सर्विकैलिस है ना, इसके साथ हमारे पास ये रूट लेगा सुपीरियर वाले के साथ, और ये हमारे पास जीनियोहायॉइड और थायरोहायॉइड को नर्व देगा और मेनिंजियल।